हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हैं, सब स्वस्थ हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में जिस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू कर रही हूँ वो है लॉरियल की ड्रीम लेंथ नो हेयर कट क्रीम। पर इसके रिव्यू देने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो मुझे थम्स अप दे देना, नहीं अच्छी लगेगी तो थम्स डाउन दे देना। तो चलो रिव्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट का प्राइस जो मैंने पे किया 414 रुपीज। मैंने इसे मिंत्रा से बाय किया है और इसकी क्वांटिटी है 200 ml। बट डिफरेंट वेबसाइट पे इस प्रोडक्ट के डिफरेंट रेट हैं। लाइक नायका पे ये प्रोडक्ट अराउंड 495 रुपीज का है, देन पर्पल पे ये प्रोडक्ट 399 रुपीज का अवेलेबल है। तो आप लोग चेक कर सकते हो एक बार ये डिफरेंट वेबसाइट पे इनके डिफरेंट प्राइस, और जहां से आप लोगों को लगता है कि बेस्ट प्राइस अवेलेबल है वहां से आप इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं अबाउट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट जो इस प्रोडक्ट पे भी मेंशन है और वेबसाइट पे भी मेंशन है, तो इसके मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं, इट हैज क्रिस्टल ऑयल, वेजिटल कैरेटिन एंड विटामिन दैट इज पीपी एंड B5। And the product claim that it helps to prevent hair breakage, split end नहीं होने देता, बालों को dryness अगर हो रही है उसे ये खत्म करता है। तो चलो जल्दी से मैं आप लोगों को अपने बालों में लगा के दिखाती हूँ। इस product को इस्तेमाल करने से पहले मैं आप लोगों को अपने बालों का texture दिखा देती हूँ। अभी जो मेरे बाल हैं वो बहुत ज्यादा dry हैं, you can see lifeless लग रहे हैं, कोई shine नहीं है, looking very dull। वो इसलिए है क्योंकि मैं रनिंग करके आई हूं, मैंने 6 किलोमीटर्स रन किया है और इतनी ज्यादा बाहर गर्मी थी, इस वजह से मेरे बालों में बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो गई, देन डस्ट और पोल्यूशन बहुत ज्यादा है बालों में। एंड मेरे जो बाल हैं अभी बहुत ज्यादा चिपके चिपके से फील हो रहे हैं, स्कैल्प बिल्कुल ऑयली हो रही है। तो अभी प्रेजेंटली मेरे जो बालों की हालत है वो बहुत ज्यादा बुरी हो रखी है। नाउ आई एम quickly going to wash my hair and after that I am going to use this cream। और यहाँ पे मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है। अब मैं अपने गीले बालों पे इस क्रीम का इस्तेमाल करूंगी। यहाँ पे एक बात मैं और बोलूंगी कि मैंने अपने बालों में कोई कंडीशनर नहीं लगाया है, दही नहीं डाला था या अंडा नहीं डाला था। बिकॉज जब हम दही डालते हैं या अगर हम अंडा लगा रहे हैं या कंडीशनर लगा रहे हैं तो एनीवे बाल बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। और जब कंडीशनर लगाने से मुझे बाल अच्छे करने हैं तो फिर मैं इस क्रीम का इस्तेमाल क्यों ही करूं। एनीवे आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि इस क्रीम को इस्तेमाल कैसे करना है। इस क्रीम को हमें अपने गीले बालों पे इस्तेमाल करना है, हमें एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी लेनी है, बहुत ज्यादा नहीं लेना, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा ले लेंगे तो हमारे जो बाल हैं वो ऑयली हो जाएंगे। एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी लेनी है, देन हमें अपने बालों को ऊपर से लेके नीचे तक इस क्रीम को इस्तेमाल करना है। प्लीज याद रखना कि इस क्रीम को स्कैल्प पे इस्तेमाल नहीं करना, इस क्रीम को हमें सिर्फ अपने बालों पे ही लगाना है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। और यहाँ पे मैंने अच्छे से इस क्रीम को लगा लिया है और मैं यहाँ पे ये नोटिस कर रही हूँ कि मुझे ना थोड़ा सा हेयर फॉल हो रहा है, मेरे 5-6 बाल निकल चुके हैं, विच इज आई एम नॉट लाइकिंग इट। क्योंकि यूजली मेरे साथ क्या होता है कि मेरे को हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं होता, मेरा एक भी बाल नहीं निकलता, बट इस क्रीम के इस्तेमाल से मेरे 5-6 जो बाल हैं वो निकल गए हैं। हेंस मैं अपने गीले बालों पे कॉम नहीं करूंगी। और यहाँ पे आप लोगों को एक बात मैं और बता दूं कि जब मैं बाल वॉश करके आई थी तो मेरे बालों में थोड़ा सा मुझे टैंगल मेरे बाल लग रहे थे और लिटिल बिट ड्राई लग रहे थे। अब जैसा कि मैंने क्रीम लगा ली है तो अभी मैं कोम नहीं कर रही हूं, बट आई कैन फील मेरे जो बाल हैं वो बहुत ज्यादा अभी लाइट मुझे लग रहे हैं और मुझे टच करने से भी मेरे बाल थोड़े से सॉफ्ट लग रहे हैं। बट इसका जो फुल जो रिजल्ट मैं आप लोगों को बताऊंगी वो मैं आप लोगों को तब बताऊंगी जब मेरे बाल ड्राई हो जाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को मिलती हूं अपने बाल सुखाने के बाद।
और मेरे बाल पूरी तरीके से सूख चुके हैं नाउ मैंने कोम नहीं करा, अब मैं अपने बालों में कोम करूंगी। नाउ व्हाट आई नोटिस्ड दैट कि हाँ मेरे बालों में अब बिल्कुल भी टैंगल नहीं हो रहे हैं मेरे बाल, मेरे जो बाल हैं उसमें कंघी फंस नहीं रही है, ईजिली जो है वो कंघी निकल रही है। जबकि जब मैंने बाल में वॉश करके आई थी तब मेरे जो बाल थे उसमें मुझे हल्के बहुत टैंगल्स लग रहे थे, बट इस क्रीम के इस्तेमाल से मेरे जो बालों के टैंगल्स है वो पूरी तरीके से चला गया है, कंघी बिल्कुल भी नहीं फंस रही है, विच इज अ गुड पार्ट। और अब मेरे बालों में हेयर फॉल भी नहीं हो रहा, लाइक जब मैंने सूखने के बाद अपने बालों में कोम्ब करी तो मुझे बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं हुई। Now here comes a result part of this product कि मेरा क्या opinion है about this product। तो मुझे ये product अच्छा लगा, इसने मेरे बालों का जो dryness है वो काफ़ी हद तक कम कर दिया। Like see यहाँ पे जो end में है ना, ये मेरे बहुत ज़्यादा dry बाल है तो obviously बात है एक दिन में कोई चमत्कार नहीं होने वाला, बाल बिल्कुल मेरे manageable हो चुके हैं, मतलब कंघी फंस नहीं रही है, कंघी फिसल रही है मेरे बालों से literally। And I like this product क्योंकि इस product ने काफ़ी हद तक मेरे जो बालों से रिलेटेड इशू थे लाइक ड्राइनेस और शाइन नहीं थी, डल लग रहे थे, तो इस क्रीम को लगाने से काफ़ी हद तक मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं। डेफिनेटली मैं इस प्रोडक्ट को दोबारा ज़रूर परचेज करूंगी, मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा बिकॉज काम भी अच्छा कर रहा है और काफ़ी अफोर्डेबल भी है। जो लोग चाह रहे हैं कि उनको एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट मिल जाए टू डील विद देयर डैमेज हेयर, वो लोग इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छा प्रोडक्ट है ये। इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के एक्चुअली दो तरीके हैं, एक तरीका मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि बालों को वेट करने के बाद हमें इस क्रीम को लगाना है, देन दूसरा तरीका ये है कि हम इसे अपने ड्राई बालों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक अगर हम कोई हीटिंग प्रोडक्ट अपने बालों पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हीटिंग प्रोडक्ट यूज करने से पहले हम इस क्रीम को लगा सकते हैं ताकि एक लेयर फॉर्म हो जाए और हमारे बाल डैमेज ना हो, तो इसे हम अपने वेट बालों पर और अपने ड्राई बालों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप लोग देख रहे हो कोई एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट जो डैमेज बालों से डील करे तो डेफिनेटली आप इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो। एक बात मैं यहां पे और रिपीट करूंगी, प्लीज इसे अपनी स्कैल्प पे मत लगाना, इसे सिर्फ अपने बालों पे ही लगाना है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप दे देना, मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी नोट के साथ दिस इज लिली साइनिंग ऑफ, सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।